सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल है दिस इज मी टिंकल कुमार बीटेक फ्रॉम ट्रिपल आईटी पुणे। सो हम लोग आज इस ट्यूटोरियल में डायगोनलाइजेशन का एक एग्जांपल देखेंगे और देखेंगे कैसे हम लोग डायगोनलाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स दिया होगा वो डायगोनलाइजेबल हुआ कि नहीं। ओके, सो लेट्स सी। मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए ये, ठीक है। इसको प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हुआ कि नहीं। सो मैंने डायगोनलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि कैसे हम लोग मैट्रिक्स को देख के बता सकते हैं कि वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसके आइजन रूट्स को निकालेंगे। अगर आइजन रूट सारे डिफरेंट होगा तो मस्ट है कि वो मैट्रिक्स जो होगा डायगोनलाइजेबल होगा, ठीक है। और अगर आइजन रूट्स डिफरेंट नहीं होंगे, कोई इक्वल होगा, मतलब कि कोई रिपीट करेगा, तो हम लोग उस केस में एम और जीएम देखेंगे उस आइजन रूट्स का, कि वो उस पर्टिकुलर आइजन रूट्स के लिए एम बराबर जीएम है कि नहीं। अगर एम बराबर जीएम होगा देन वी कैन से दैट कि वो मैट्रिक्स जो है डायगोनलाइजेबल होगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा कि नहीं। तो डायगोनलाइजेबल के लिए कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर मैट्रिक्स ये है तो पी इनवर्स ए पी जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, ये होगा लैम्डा 1 0 0 0, लैम्डा 2 0 0 0, लैम्डा 3, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 क्या है, ये हमारा जो आइगन रूट्स है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इस मैट्रिक्स का आइजन रूट्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। और क्या करूँगा, फिर उसके बाद मैं पी वेक्टर वेक्टर मैट्रिक्स निकालूंगा, ठीक है। और फिर उसका क्या करूँगा, इनवर्स निकालूंगा, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो जो इसके बराबर रहना चाहिए। ओके, मैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैं सॉल्व कर लिया हूँ क्या होगा उसका मैट्रिक्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो रूट्स आएगा, इसका जो रूट्स आएगा, इसका जो रूट्स आने वाला है वो आएगा आपको 1 -2 और 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रूट्स है वो तीनों डिफरेंट है, ठीक है, और तीनों डिफरेंट है। और यहाँ पर जो हमारा पी मैट्रिक्स आएगा, जो ना जो पी मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा हमारा, मतलब पी मैट्रिक्स कौन सा, जो हर आइजन रूट्स के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर होगा, मतलब लैम्डा बराबर 1 के लिए जो आइजन वेक्टर होगा, ठीक है, लैम्डा बराबर -2 के लिए आइजन वेक्टर, वो वाली मैट्रिक्स है। तो वो वाली मैट्रिक्स आएगी आपकी -1 1 1 4 -1 2 1 1 1, ठीक है, ये हमारा पी मैट्रिक्स आएगा। ओके, और जब इस मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं, आप लोग इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैले हैमिल्टन थ्योरम से निकाल सकते हैं। और मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम लोग कैसे इन्वर्स निकाल सकते हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक। तो इससे हमारा जो पी इन्वर्स आएगा मैट्रिक्स, वो पी इन्वर्स क्या होगा, वो होगा हमारा -1/6, ये होगा 1 -2 3 -2 -3 -2 6 0 -3, ठीक है। तो हमारा क्या है, पी भी हमको पता है, पी इनवर्स भी पता है और ए भी पता है। तो जब हम लोग पी इनवर्स ए पी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आता है, जब हम लोग पी इनवर्स ए पी मल्टीप्लाई करेंगे, पी इनवर्स ए पी, समझ में आया, तो पी इनवर्स हमारा मैट्रिक्स क्या है, -1/6, ये क्या होगा 1 -2 3 -2 -2 6, ठीक है, -3 0 -3। ए मैट्रिक्स क्या है हमारा, 1 -1 4 3 2 -1 और 2 1 -1, ठीक है। ये पी इनवर्स है ए और पी मैट्रिक्स, पी मैट्रिक्स ये जो यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग आइजन वेक्टर निकाले थे वो है -1 4 1 1 1 -1 2 1 और 1, ठीक है। तो ये हमारा पी इनवर्स ए पी का मल्टीप्लीकेशन हुआ, ठीक है। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो इस फॉर्म में है, जो हमारा मैट्रिक्स आएगा फाइनल पी इनवर्स ए पी इज इक्वल्स टू, वो आएगा 1 0 0 0 -2 0 0 0 3, मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है वो आइजन वेक्टर जो है वो डायगोनल में आ गया सारा, जो इतना सारा जो 1 -2 और 3 था वो हमारा डायगोनल में आ गया। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइज हो गया, समझ में आ रहा है, ये
ये जब सारे जब आइजन जो रूट्स हैं वो सारे अगर डायगनल में आ जाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए दिया था वो डायगनलाइजेबल था। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। अगर कोई क्वेश्चन मैट्रिक्स ए दिया, उसको प्रूव करने को बोला कि प्रूव दैट दिस मैट्रिक्स इज डायगनलाइजेबल और नॉट, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले उस मैट्रिक्स का आइजन पहले रूट्स निकालेंगे, पहला काम रूट्स निकालेंगे, फिर रूट्स निकाल के चेक करेंगे कि वो मैट्रिक सारा डिफरेंट है कि नहीं। अगर सारा डिफरेंट होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है डायगनलाइजेबल होगा, ठीक है। और डिफरेंट नहीं होगा तो हम लोग चेक करेंगे कि वो सारे आइजन रूट्स के लिए कोरस्पोंडिंग जो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आएगा तो कहेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो डायगनलाइजेबल होगा, अगर नहीं आएगा इक्वल तो डायगनलाइजेबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और फिर उसके बाद कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, हम लोग पी इनवर्स ए पी की प्रोडक्ट प्रोडक्ट निकालेंगे और जो मैट्रिक्स आएगा वो डायगनल फॉर्म में होना चाहिए आइजन रूट्स का। समझ में आया? तो पी क्या है, पी जो हमारा आइजन वेक्टर है और पी इनवर्स क्या है, उस आइजन वेक्टर का क्या है, हमारा इनवर्स है, और ये हमारा क्या है, एक्चुअल मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। तो आई होप आपको अगर ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है, कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और वीडियोज़ मिलते रहेंगे। ओके।